डायमेंशन का नेक्स्ट यूज समझने से पहले हमें एक छोटा सा प्रिंसिपल समझना होगा। नॉर्मल सा प्रिंसिपल है हमारी लाइफ में, सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना शुरू किया, देखा कि नमक थोड़ा कम है, तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं अच्छा आप नमक डाल देते हो, मैं तो थोड़ी सी चीनी डाल देता हूँ, उससे थोड़ा नमक ठीक हो जाता है। पॉसिबल है ऐसा? नमक की कमी पूरी करने के लिए नमक ही ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो कहीं अगर नमक एडिड है तो नमक ही ऐड करना पड़ेगा उसमें, घटाने बढ़ाने के लिए। बस यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मतलब नमक में नमक ही जोड़ा जा सकता है, चीनी में चीनी जोड़ी जा सकती है। ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। आप लेंथ में टाइम ऐड नहीं कर सकते कभी भी। कर सकते क्या आदमी? नहीं कर सकते कभी। आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी में फोर्स ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि डायमेंशन डिफरेंट है। तो ये एक सिंपल सा कॉमन सा प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओनली द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। ऐड ही डालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। अच्छा, दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास, सपोज एक वेलोसिटी वन है, दूसरी वेलोसिटी टू है, आपने दोनों को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ही मिलेगी ना, या फोर्स मिल सकती है आपको? वेलोसिटी ऐड करके फोर्स तो मिलेगा नहीं। टाइम और टाइम को ऐड करके 10 मिनट आपको एक काम में लगे, 20 मिनट दूसरे काम में लगे, टोटल कितना? 30 मिनट। टाइम ही तो लगा, टाइम ही तो मिला ना आपको, है ना? तो इसी इसी स्टेटमेंट का एक दूसरा रूप है, एक दूसरा रूप है क्या, ध्यान से समझना। सिंपल है, बिल्कुल यही है, लेकिन उसको बोलना अलग तरीके से कि आपने वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करी, वेलोसिटी मिली, तो वेलोसिटी वन उसकी डायमेंशन एलटी माइनस वन, वेलोसिटी टू उसकी डायमेंशन एलटी माइनस वन, इजिकल टू में जो आया वेलोसिटी थ्री उसकी डायमेंशन भी। क्या इनमें से, इन तीन में से किसी की डायमेंशन इससे अलग हो सकती है क्या? अगर अलग हो गई तो जुड़ेंगी नहीं, वो घटेंगी नहीं ना, उन्हें हम ऐड कर सकते ना सेपरेट कर सकते, तो रिजल्ट क्या मिलेगा फिर हमें, है? तो यही बात है। इसे दूसरे शब्दों में कहना है, क्या कहना है? इन अ वैलिड फिजिकल इक्वेशन, या सिर्फ इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं, इन अ वैलिड फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट्स मस्ट बी सेम, क्योंकि सेम ही को तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देते हैं। इन अ वैलिड फिजिकल इक्वेशन ऑल द पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, है ना? हालांकि ये ऑब्वियस है, इसे बोलना जरूरी नहीं है भाई किससे सेपरेट होंगे, प्लस या माइनस से। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो सेपरेशन नहीं है, वो तो मिलकर एक हो जाते हैं। सेपरेशन जो है किससे है? केवल प्लस और माइनस से। तो इन अ वैलिड फिजिकल इक्वेशन ऑल द पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। देखने में भले ही वो कुछ भी दिख रहा हो, देखने में भले ही वो कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन जब आप उसकी डायमेंशंस फाइंड करें तो डायमेंशन सबकी सेम निकलनी चाहिए। अब बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जो आपने पढ़ी है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, सबने नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ लिया है v इक्वल्स यू प्लस ए टी।
अब यहां दो दो तो वेलोसिटी, एक टाइम भी है और एक एक्सिलेशन भी है। नहीं, जब आप इनकी डायमेंशंस फाइंड करेंगे ना, तो डायमेंशन सबकी एक सी आएगी। देखो यू वेलोसिटी है, डायमेंशन कितनी, एल टी माइनस वन। वी वेलोसिटी है, डायमेंशन कितनी। अब ए इंटू टी करके देखना जरा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी, ए टी टू ए एल, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एल टी माइनस टू, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना बन जाएगा। देखने में चाहे कुछ भी लग रहा हो, अगर इक्वेशन आपकी सही है या किसी भी इक्वेशन को सही होने के लिए जरूरी है कि उसके जितने भी पार्ट हैं जो प्लस माइनस या इजिकल टू से सेपरेटेड है, उन सब की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। और अगर किसी एक पार्ट की भी डायमेंशन डिफर कर जाती है, तो मतलब ये इक्वेशन सही नहीं है। ओके, लिखिए से, इन अदर वर्ड्स, फॉर ए फिजिकल इक्वेशन टू बी वैलिड, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द पार्ट्स, अब यहां ऑल द पार्ट्स के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेपरेटेड बाय प्लस माइनस और इज इक्वल टू, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस और इज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज, मस्ट बी सेम।